वर्तमान में हम तेंदुन एरिया में हैं। तेंदुन का एरिया कहलाता है जंगली क्षेत्र, ये कांकर बीट के अंतर्गत आता है। और ये आप देख रहे हैं एक डबरी है, तालाब नुमा आकृति है, ये जमुना पंडित जी यहाँ के हैं, जमुना प्रसाद जी हिनौती के, उनकी डबरी के नाम से जानी जाती है। डबरी क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसका भीट है ये, इधर से ये इतना पूरा भीट एरिया। आइए अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं एक जो अवैध शिकार हुआ है। कल रात में जो हमें सूचना मिली थी, यहाँ पे कुछ पत्ती तेंदू पत्ता खाने वाले जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पे आते हैं, उन्होंने एक फोर व्हीलर यहाँ पे आई थी। ये फोर व्हीलर के रास्ते आपको हम बाद में दिखाते हैं, जो इसके चिन्ह जो बने हुए हैं उन चिन्हों को हम आपको दिखाएंगे, टायर के चिन्हों को, कि किस तरह से यहाँ पे रात में लोग आए इस फोर व्हीलर में चार चक्के वाहन में और कैसे यहाँ पे रोज का अवैध शिकार किया इस तेंदू क्षेत्र में। ये आप देखें, ये जो आप देख रहे हैं ये खून है, ये पूरी तरह से ये जो रोज का ये खून का ये पैच बना हुआ है, ये पूरी तरह से ये देखें यहाँ पे, ये खून का पैच है, ये खून का पैच है। यहाँ पे माचिस पड़ी हुई है, ये माचिस है यहाँ पे, शायद जिन लोगों ने इसको मारा होगा, इसको पकाया होगा, उसी के लिए माचिस का इन्होंने उपयोग किया होगा। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं रोज का उस जानवर का ये गोबर है, गोबर के जो पैचेज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये भी यहाँ पे गोबर आपको दिखेगा। ये देखिए इसके शायद आंत का या पीछे का हिस्सा है गोबर का, जहाँ पे एनस होती है, एनस का ये हिस्सा है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। हाँ, लेड़ी भी रोज का प्रूफ है। ये लेड़ियाँ जो आपको दिख रही हैं ये रोज इस तरह से हकते हैं, तो उसका ये आपको प्रूफ दिखेगा। ये जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं इसकी आंत का हिस्सा है, ये पूरी तरह से आंत का हिस्सा आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह आंत का हिस्सा यहाँ पर आंत का हिस्सा है, ये आंत का बड़ा कोई भाग है इसका, और अंदर का आंत का हिस्सा, और इस तरह से पूरा यहाँ पे आंत का हिस्सा यहाँ पे पड़ा हुआ है। और हम आपको दिखाते हैं कि ये जो वाहन लेकर के आए थे, चार व्हीलर चार चक्का वाहन लेकर के आए थे, उनके टायरों के निशान जो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए ये टायरों के निशान हैं, ये जिस तरह से टायरों के निशान हैं ये समझा जा सकता है कि ये कोई पतले चक्के वाला वाहन है, या कि ये कार होगी, या कि बोलेरो होगी, या इस तरह से होगी। ये इस तरह से वाहनों के निशान, टायरों के निशान आप देख सकते हैं, देखें किस तरह से टायरों के निशान हैं, ये इस तरह से टायरों के निशान यहाँ पे बने हुए हैं। इसी तरह से टायरों के निशान पूरे क्षेत्र में, हम यहाँ पे आए हैं भ्रमण करते हुए तो हमने देखा कि यहाँ पे है। हम लोगों को इसके बारे में सूचना मिली कल रात में 12 बजे, यहाँ पे जो तेंदू पत्ता तोड़ने लोग आए थे उन्होंने जानकारी दी। ये यहाँ पे कुछ मछली का लग रहा है कि जैसे मछली के कुछ हिस्से हैं, मछली के कुछ भाग हैं, ये देख सकते हैं इन्होंने मछलियाँ भी यहाँ पे खाई होंगी। और यहाँ पे किस तरह से ऐसो आराम के साथ इन्होंने पिकनिक मनाया। ये रोटी का टुकड़ा भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, रोटी का हिस्सा है यहाँ पे वर्तमान में आपको पड़ा मिला हुआ। अब हम आपको मिलाते हैं यहाँ पर जो हमें सूचना मिली जिनके माध्यम से कल रात में, वो यहाँ पे पत्ती जो तेंदू पत्ता है, तेंदू पत्ते का आजकल कारोबार चल रहा है, फल खुले हुए हैं सरकारी तौर पर। और
वो इस क्षेत्र के लिए कार्य भी करते हैं, एक बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं। और हम दोनों लोग, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं बली सिंह परिहार जी, हम दोनों लोग आए और हमने यहाँ पे देखा किस तरह से इन दोनों लोगों की बीरेन सिंह जी जो मिसिरा के हैं, और ये सतानंद केवट उर्फा लोली केवट, ये जो हमारे कैथा गाँव के हैं, इन्होंने सूचना दी और हमें जानकारी प्राप्त हुई। आपको भी इसके संदर्भ में कुछ कहना है अभी? जी नहीं, कहना तो कुछ नहीं है, पर अभी हम जो देख रहे हैं इसकी जानकारी डीपी साहब को दिए हैं। हाँ हाँ, वो आने वाले भी हैं। हाँ, आपको पुख्ता जानकारी मिल जाएगी। हाँ, हमारे शिवानंद भाई जो दिखा रहे हैं। हाँ, इसकी जानकारी तत्काल की जाए जी, हम लोग बहुत परेशान हैं इस सामाजिक काम। हाँ जी जी, बिल्कुल सही करते हैं, लोग अड़ंगा लगा देते हैं उसमें। हाँ, टांग अड़ाते हैं। हमने देखा ही है इस बात को, कि इसीलिए पुख्ता सबूत के साथ कि भाई हम लोग झूठ आए हैं। कई सारी सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन की गई, डीएफओ को इन्फॉर्म किया गया है ना, और वन कंजर्वेटर जो अधिकारी है भोपाल को, उसको भी इन्फॉर्म किया गया, लेकिन कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हुई। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो वन क्षेत्र है, इसका सही तरीके से इसकी निगरानी की जाए और इसका इसकी सुरक्षा की जाए। इस प्रकार से हम ये अब वीडियो आपको बंद करते हैं, ये क्षेत्र दिखा करके। तेंदुन का एरिया कहलाता है, और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी भी तेंदू पत्ता, यहाँ पे शिवला का पेड़ है, तमाम आप देख रहे हैं तेंदू पत्ते अभी भी हरे भरे हैं, छोटी यद्य पत्तियाँ हैं। तो इन तेंदू पत्तों को देख करके ऐसा लगता है कि अभी यह जो कार्य है तेंदू पत्ता तोड़ने का, यदि बारिश नहीं हुई तो लगभग हफ्ते 10 दिन अभी और चलेगा, संभवतः ज़्यादा ही जा सकता है। इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे अवैध शिकार हुआ है हमारे इस तेंदुन एरिया में, नौपथा के लिए जाता है, तेंदुन नौपथा यही क्षेत्र कहलाता है। गदही से होते हुए हम यहाँ पे आए हैं, और वर्तमान में हम तेंदुन के पास में हैं, और ये जमुना पंडित जी, जमुना प्रसाद जी मिश्रा हैं, बढ़ गई जमुना प्रसाद द्विवेदी जी के डबरी के नाम से जानी जाती है, जो हमने बताया बिल्कुल डबरी के भीट के नीचे का ये वाकया है। हमने आपको वाहनों के यहाँ पे निशान दिखाए हुए हैं, और ये हम अभी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। इस प्रकार मैं शिवानंद द्विवेदी आपको वापस लिए चलते हैं। हमने आपको किस तरह से दिखाया कि यहाँ पे कैसे अवैध शिकार हुआ है, इसको आपको हमने लाइव वीडियो दिखाया, लोगों से हमने चर्चा करवाई, और उम्मीद है कि प्रशासन वन विभाग इसमें कोई सार्थक पहल करेगा, और सार्थक पहल करके ये जो अवैध शिकार है और अवैध तरीके से वनों की कटाई चल रही है, उसका कोई सार्थक समाधान निकल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।